नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं साल 2020 के दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं यानी कि आपके करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन में आने वाले अवसरों के बारे में ज्योतिषीय उपाय, अनुकूल महीने, मुश्किल भरे महीने, टिप्स और एडवाइस आदि मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वार्षिक राशिफल 2020 के अनुसार कुछ मीन राशि के जातक छुट्टियों पर और कुछ बढ़िया शौक जैसी गतिविधियों के माध्यम से जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि मीन राशि के कुछ अन्य जातक अपनी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का उपयोग करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का प्रयास करेंगे और बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करने के लिए इस समय का उपयोग करेंगे। इस वर्ष में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका फोकस अपने काम पर कितना है, आपकी किस्मत कितनी मजबूत है और आपके कर्म कैसे होंगे। ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि वर्ष की शुरुआत में आपको कुछ धन संबंधी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपको उन धन से या पेशे से संबंधित अनुकूल अवसरों को पहचान कर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो आपके पास आते हैं। इन अवसरों को अनदेखा करना आपके हित में नहीं हो सकता है। इस दौरान आप भविष्य के लिए धन बचाना पसंद करेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। मीन राशि के जातकों के लिए करियर, धन और वित्तीय दृष्टिकोण से ये वर्ष अच्छा और शुभ प्रतीत हो रहा है। खास तौर से वर्ष की शुरुआत बहुत बेहतर हो सकती है। वर्ष की शुरुआत में मीन राशि के जातकों के लिए यह समय उधारी की वसूली, अदालत में कानूनी मामलों से अनुकूल परिणाम और कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभ होगा। यह सब आपके षष्ठम भाव पर बृहस्पति जी की दृष्टि से ही संभव होगा। इस दौरान आपका अपने प्रतिस्पर्धियों यानी कि कॉम्पिटिटर्स पर बढ़त हासिल करने की भी संभावना रहेगी। मीन राशि के बेरोजगार जातकों के लिए नौकरी पाने की अच्छी संभावनाएं भी बन रही हैं। 30 मार्च से जून के महीने तक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इस अवधि में शनि देव और बृहस्पति जी की अनुकूल दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। मीन राशि के जातकों को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। आप अपने भाग्य और परिश्रम के बल पर अपने पेशे में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए ये अवधि निवेश के लिए भी अनुकूल साबित हो सकती है। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स अपने व्यवसाय का विस्तार करने में भी सफल हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव में बृहस्पति जी के गोचर के कारण रियल एस्टेट बिजनेस करने वाले को मध्यम लाभ ही मिलने के संकेत दिख रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मार्च से जून महीनों के दौरान स्टॉक मार्केट से लाभ के संकेत भी हैं। आपके एकादश भाव में शनि देव का गोचर आपको नियमित और स्थिर लाभ या आय का संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए किराए से होने वाली आय भी आपको अब मिलने की संभावना होगी। इस वर्ष आपके पास उस खास व्यक्ति की पहचान करने का बढ़िया मौका होगा जो आपका जीवन साथी या हम सफर बन सकता है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपके साथ पूरा जीवन रहेगा। यदि आपको अभी तक हम सफर नहीं मिला है तो ये अवधि आपको एक उत्तम साथी दिलाने में भी मदद कर सकती है। वर्ष की शुरुआत में कुछ मीन राशि के जातक दोस्ती में दरार का अनुभव कर सकते हैं, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आपका साथी आपके प्रति गंभीर नहीं था तभी ये दरार होगी, लेकिन अगर आपके पास एक सच्चा वफादार साथी है तो वह हमेशा आपके साथ रहेगा। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि कुछ नया निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होगा और इस दौरान किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो करना संभव हो सकता है। यह सब
मीन राशि के जातकों की कुंडली में एकादश भाव में दो प्रमुख ग्रहों के गोचर के कारण होगा और आप जानते ही हैं ये दो ग्रह हैं बृहस्पति और शनि। 29 जून तक की अवधि संकेत दे रही है कि इस दौरान मीन राशि के जातकों के रिलेशनशिप काफी पेचीदा हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं या आपके साथी में कुछ अहंकार की भावना है। विवाह की इच्छा रखने वाले मीन राशि के जातक इस वर्ष उत्तम लाइफ पार्टनर पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के जातक इस वर्ष अपने परिवार में शुभ समारोहों के लिए धन खर्च करेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के भी इच्छुक होंगे। इस वर्ष परिवार में वाहन की खरीद, भवन निर्माण या विवाह की संभावनाएं बन रही हैं। ये सब आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति जी की खास दृष्टि के कारण संभव होगा और यह अवधि वर्ष की शुरुआत में होगी। इसके साथ ही पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण बनेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। 19 सितंबर को राहु आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। उस समय आप समाज, सामुदायिक कार्य, कल्याण और गरीबों की सेवाओं आदि के मामलों में व्यस्त रह सकते हैं। निस्वार्थ सेवा करने से आपके मान सम्मान, नाम और प्रसिद्धि आदि में वृद्धि होगी और उसके साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आप अधिक रुचि लेंगे। मीन राशि के वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं को देने जा रहे हैं उन्हें अपने षष्ठम भाव में बृहस्पति जी की विशेष दृष्टि के कारण सफलता के बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए मीन राशि के विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2020 मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आप मानसिक रूप से तो खुश होंगे और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वह भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बशर्ते आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या ना हो। अच्छे स्वास्थ्य और रोग मुक्त जीवन के लिए आपको स्वस्थ आहार लेना चाहिए। आप योग या किसी अन्य व्यायाम में भी रुचि ले सकते हैं। जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु बने रहें। गरीबों और बुजुर्ग लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। मीन राशि के जो जातक विवाहित हैं या प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए सलाह है कि आप खुद को शांत रखें और अपने पार्टनर से बातचीत करते रहें। साल 2020 में मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर और दिसंबर। साल 2020 में आपके लिए जो महीने कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं वे हैं जून, जुलाई और अगस्त। दोस्तों, यदि आप इस साल का अपनी राशि के पूर्णमान को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है और जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो यह था आपकी राशि का इस साल का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो बस इसे लाइक करें और वीडियो की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।
हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।